गाइस, हम रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। ये देखो गाइस, पहले बोला पैक कर दो, मैं यहाँ नहीं खाऊंगा वहीं खा लूंगा। मैंने पैक कर दिया, फिर खोल के यहीं खाने बैठ गए। क्यों किया? हमारी बस जो है बुकिंग कर दी है मैंने ऑनलाइन, थोड़ी लेट की है तो खाटी चल रहे, कैब भी बुक कर रहा हूँ, बस निकल रहे हैं। ओके, वहाँ जाते जाते लेट हो जाते ना, लेकिन अभी टाइम है इसलिए मैं यहीं से खा के जा रहा हूँ। ठीक है, तुम सबने खा लिया खाना? हमने तो अभी ऑमलेट रुद्र ने खिलाई थी हमें बनाकर, अभी तो पेट फुल फुल सा है, अब हिम्मत नहीं हो रही कुछ खाने की। चलो वहीं कुछ खाना। ठीक, सफर के मजे लेना। ओके, ये है हमारी आज की आउटफिट। तो गाइस फाइनली हमारी कैब आ चुकी है और हम कैब में बैठ गए। हम दिख रहे हैं गाइस, कैब मिल गई है और बस की ओर। तो चलिए गाइस, मिलते हैं बस में। बहुत गर्मी लग रही है और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ वेदर बहुत अच्छा होगा, यहाँ बहुत गर्मी है। वेदर अच्छा है इसलिए तो दोबारा से जा रहे हैं इतनी जल्दी। हाँ, और वहाँ बहुत अच्छा व्यू है, फुल एंजॉय करेंगे। आप भी बने रहना हमारे साथ। बच्चे पहुँच गए अपने बेड पे। रुद्र, रिद्धि अपने अपने कैबिन में चले गए, बच्चों को तो बस अपना कैबिन चाहिए, अलग से चले गए। सो गाइस, बच्चे अपने अपने कैबिन में बैठ चुके हैं और हम दोनों यहाँ आ गए हैं। वो सिंगल सिंगल कैबिन में बैठे हैं और हम बड़े कैबिन में हैं दोनों। मिलते हैं आपसे सुबह। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और हम भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। कल हम रात को निकले थे अपने घर से वॉल्वो से देहरादून के लिए, और आज फाइनली हमको हमारी कार वापस मिल चुकी है और अभी हम बैठ गए हैं। मामू भी आ गए हैं तो अब हम वापस निकल रहे हैं ऊपर धनौल्टी के लिए। हम बहुत इंजॉय करने वाले हैं और बहुत अच्छा लग रहा है अब कार में बैठ के। बस में सफ़र करना और मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, सामान बहुत होता है ना, तो उतारना चढ़ाना। अब ठीक लग रहा है, सारा सामान कार में सेट हो गया। अब हम बहुत मस्ती करने वाले हैं गाइस, तो व्लॉग पूरा देखिएगा और सपोर्ट कीजिए गाइस। अभी ब्रश भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस से उतर के अब सीधे अपने कार में आ गए हैं। अभी हम थोड़ा फ्रेश व्रेश होंगे, कहीं पानी मिल जाए तो सो के उठ के ऐसे बैठे हुए हैं कार में। ठीक से नींद भी नहीं आई मुझे बस में, मैं तो मस्त सोया हूं। ये दोनों अपने अपने केबिन में अच्छे से सो गए थे। मुझे तो ऐसा फील हो रहा था मैं हर 10 मिनट में उठ रही थी, बस तो वो एरोप्लेन की तरह उड़ा के ले जा रहा था। पहली बात तो बहुत जल्दी उसने हमें देहरादून छोड़ दिया, सुबह 5 बजे उतार दिया और बस ऐसे भगा रहा था। वो बस ऐसे जंप कर रही थी, ऐसे जंप कर रही थी, उड़ रही हो जैसे। मैं बार बार डर के उठती थी, मैंने कहा भाई क्या हो रहा है। जब भी कहीं बाहर निकलो ना, नींद बहुत ख़राब होती है मेरी, मेरी नींद ख़राब होती है। मैं अच्छे से खाती पीती नहीं हूँ तो बहुत फर्क पड़ता है, बट घूमने का बहुत मन करता है, घूमने में बहुत मजा आता है। आउटिंग तो होनी चाहिए, दिमाग को आराम मिलता है ना। रात को 2 बजे ब्रेक था, कौन उतर सो रहे थे, बट मैं घर से कुछ खा के नहीं निकली थी, मैं बिल्कुल भूखी थी, मुझे बहुत भूख लग रही थी, मेरे पेट से आवाजें आ रही थी, फिर भी नहीं उतरी मैं बस से। मैं तो मस्त सो रहा था, मुझे तो पता भी नहीं चला कब स्टॉप आया। आपको कॉल किया, हमने उठे ही नहीं आप, और आपके डैडी मुझे कॉल कर रहे थे बाहर से कि रचना बहुत अच्छा है, बाहर आओ एक बार देखो, रिद्धि को बुलाओ। मैंने कहा भाई हम नहीं आएंगे, सो गई, स्लीपर बस थी ना। भाई देखो दोस्तों, आज का वेदर आज भी बिल्कुल वैसे ही वेदर हो रहा है जैसे हम पहले आए थे, और बहुत अच्छा, ये बादल ही बादल चारों तरफ। बच्चों कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है ना? ओ यार हाँ, ये वेदर ही तो है जो हमें दोबारा से यहाँ कैच के ले आया। मज़ा आ रहा है, मज़ा इस साइड लेना है, यहाँ से तो हम पहुँच जाएंगे मसूरी, पर हमें जाना है धनौल्टी। ये देखो व्यू देखो यहाँ से, अब दिख तो कुछ भी नहीं रहा होगा तुम्हें क्योंकि ओ भाई देखो कितना फॉग हो रहा है। अब तो यार बस पेट पूजा और करवा दो तो जी सा आ जाए थोड़ा। धनौल्टी पहुंचने वाले हैं,
तुम्हें कैसा लग रहा है तुम बताओ अपना। मस्त यार, मस्त लग रहा है। बस इसी के लिए तो आए हैं। परी आप कहाँ पे हो? बट भूख लग रही है अब। नहीं बस अब कहीं देखते हैं कोई पॉइंट मिल जाए ना। यहाँ सबसे ज्यादा दिक्कत तुम्हारे ब्रश वगैरह करने की है ना। अगर एक बार ब्रश ब्रश हो जाए ना गाइस। एक बच चुका है, कुछ खाया नहीं है क्योंकि ब्रश नहीं किया। तो पहले पानी देख रहे हैं, ब्रश कर लेते हैं फिर मस्ती करेंगे। ठीक है। मेरा ब्रश कर दो भाई, मैं भी कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा गंदा पानी। झरना इतना प्यारा था, झरने का फायदा उठाते हुए सबने ब्रश कर लिया है। सब अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं। मिंटू ने भी ब्रश कर लिया है, मैंने भी कर लिया है। अब बस कमी रह गई है तो एक कॉफ़ी की। गाइस पीछे झरना था, वहाँ पे हमने ब्रश वगैरह कर लिया है और अब लगी है थोड़ी सी भूख। तो यहाँ पे अभी हम बना रहे हैं कॉफ़ी। दोस्तों ये कितना प्यारा नज़ारा है देखिए। यहाँ पर हमने सोचा है कि कुछ नाश्ता हो जाए। रचना जी क्या बना रही हो? मैं आपके लिए बना रही हूँ गर्मा गर्म पकौड़े। ठीक है, पकौड़े और कॉफ़ी भी बना लेना। हाँ। फिर उसके बाद में हम जा करके जहाँ हमें रुकना है वहाँ रुकेंगे। अभी हम रास्ते में ये सब कर लेते हैं, पहले खा लेते हैं ना, पेट पूजा कर लेते हैं। एक बज गया गाइस, बहुत भूख लगी है। हमने अभी तक सुबह झरना था, ब्रश कर लिया, फेस वॉश कर लिया और अब करेंगे ब्रेकफास्ट। ये ब्रेकफास्ट भी नहीं है, लंच भी नहीं है, ब्रंच है ना। ठीक है तो फटाफट कीजिए। नहीं हम बनाएंगे क्रंच क्रंच ब्रंच। बादल देखो यहाँ पर कितने बादल है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। बस तुम लोग दिख रहे हो मुझे, मेरे पास हो इसलिए। हाँ भाई तुम क्या कर रहे हो? ऑन रोड कुकिंग कर रहे हो तुम? अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है। पहाड़ों में तो चलता है, शांत एरिया है, गंदा नहीं करेंगे। हाँ बस गंद मत करना। ये देखो बिल्कुल शांत जगह एकदम। ये पहाड़िया तो गाइस अभी यहाँ पे बेसन के पकोड़े बनने की तैयारी हो रही है और आप वेदर तो देख ही सकते हो और नज़ारे तो भाई क्या ही कहने। और यहाँ रिद्धि प्याज काट रही है और पकोड़े मैं बना रहा हूँ। आज मेरे पति देव पकोड़े बना रहे हैं भाई टूर पे। ये पहाड़ों में पकोड़े बनाते हैं, घर पे पकोड़े नहीं बनाते। तभी तो मैं इन्हें लेकर आती हूँ, चलो पहाड़ों में चलते पकोड़े खिलाना। मैं और मिंटो हम मजे ले रहे हैं। महिलाएं कुकिंग करती हैं, चाहे घर हो चाहे पहाड़ हो कहीं भी हो, वो शुरू हो जाती हैं। अगर वो चाहे तो अपने परिवार को कहीं पर भी हेल्दी खाना खिला सकती है। जरूरी नहीं है कि हमें होटलों का ही खाना है, हम अपने आप से बनाकर भी खा सकते हैं। चले गाइस, सुबह से हमने कुछ नहीं खाया बाहर का। खाएंगे जब मन करेगा, बट अभी नहीं था मन। प्लेट वगैरह का है? क्या कह रहे हो, गरम गरम ही खा जाओगे? लाओ मुझे लाओ, प्लेट का है जिसमें निकालने हैं। एकदम मस्त पकौड़े तैयार हो रहे हमारे। गाइस घर पे तो पकौड़े बना के खाए हैं बहुत, लेकिन पहाड़ों में खाने का अलग ही मजा है ना बाबू? वो भी अपने हाथ से खुद से बना करके खाने का मजा ही अलग है। चलो हो गए गाइस, उसको ना थोड़ा स्लो कर। खाना भी स्टार्ट हो गया इनका बनाते बनाते। बादल तो आ रहे हैं जा रहे हैं, वेदर बहुत अच्छा है। पकौड़े बन के हो गए तैयार और अब बनेगी कॉफ़ी, फिर चलेगी हमारी पार्टी।
यहाँ बन रही है कॉफी की तैयारी हो रही है और यहाँ पकौड़े बन रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट बन ही चुके हैं। हाय मेरी जान, ये बहुत अच्छा व्यू है गाइस। आई कांट एक्सप्लेन के मैं कैसे बताऊं आपको ये वेदर क्या बोल रहा है। यार देखो वो छोटा सा एक बंच है ना फ्लावर्स का, काश मेरा वहां हाथ जाता मैं उसको एक फूल तोड़ लेती वहां से। वो इसीलिए ऊपर लगाया है ताकि उसे तोड़े ना। इन लोगों को हमने काम पे लगा दिया है, बहुत देर से वेले बैठे हुए थे ये लोग। हाँ। मेरा तो हो गया भाई, अब ये लोग अपने आप कॉफी बना लेंगे आराम से। एक पाउच बहुत है। हाँ। देखो मैंने बना दिया एकदम स्ट्रॉन्ग कॉफी, मजा आ गया पीते ही। हाँ। स्टारबक्स की कॉफी फेल है इसके आगे, स्टारबक्स की। दुनिया गई बाढ़ में, मजे लो पहाड़ में। ये भाई इतनी चाय पिलाई है ना, ये नया चूल्हा है इस पे देखो तुमने क्या किया। डॉली चाय वाला। बस करो आ जाओ पियेंगे, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी दे दो। ठीक है ठीक है जल्दी। तो पानी डाल दूं किस पे? नहीं इस पे क्या पानी डालना है, कॉफी ऑफी कर गई है ना, ताप हो जाएगा। ओ माय गॉड। चलो भाई सब कुछ हो गया तैयार, ये वाला नाश्ता भी लेना तो ये भी ले लो। बहुत जोरदार बनी है। बनाई किसने, पकाई है मैंने खूब। ऐसे बार बार डालोगे बार बार आती जाएगी गाय। भाई उसको यहाँ खाने को नहीं मिल रहा होगा ना, कुछ भूखी है उसको तो तुमसे ज्यादा खाते हो यहाँ गया। उसको भी फास्ट फूड खाने का मन हो रहा होगा ना यार, वो ग्रीन ग्रीन खा के पक गई होगी। वो डाइटिंग पे है। डाइटिंग पे नहीं है, पकौड़े खा रही है। मैंने कितनी बार उसको पकौड़े दे दिए सारे खा गई। मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है गाइस। हमने तो खा लिए लेकिन इन लोगों का मन नहीं कर रहा है, ये तो बैठ के आराम आराम से मजे ले रहे हैं पहाड़ों में। प्यार है आए है जो तुमने हमारे लिए इतनी मेहनत की है तो उसको एंजॉय कर। नहीं यार हमने तो सबने की है मिलके मेहनत। हमने अपने ये सब भी उठा लिया, आगे डस्टबिन में फेंकेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ना है ठीक है। ये थर्मस ले लो। बहुत एंजॉय कर लिया, अब हम आगे निकलते हैं, पेट भी भर गया, अब मजा आएगा घूमने में। भूख लग रही थी ना। हाँ। और यहाँ पहाड़ों में बैठ के खाने में ना एक अलग ही मजा आया भाई। और अभी हम जो रूम लेने वाले ना वो भी ऐसे ही लेंगे अच्छा सा खुले में। हाँ, व्यू अच्छा होगा। चलो चलो देख लो भाई तुम्हारा व्यू कितना प्यारा है यार। रोड देखो, रोड कितने प्यारे हैं ये। और ये वादियाँ, बैटरी लो क्लोज। फोन चार्ज करना पड़ेगा मगर मन नहीं हट रहा इन वादियों को कैप्चर करने का। और रचना जी कुछ कहना चाहोगे इन सबके लिए? मैं कहना चाहती हूँ कुछ तो बताइए ना, क्या कहना चाहती हूँ आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना तो हम इन चीज़ों को ना याद करके बहुत हमें खुशी मिली, हमने भी इंजॉय किया है। कल को हम ना पछताएंगे नहीं, अफसोस नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं अपने बच्चों को देख के, किसी को भी देख के कि हमने नहीं किया ये सब। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखो यार धुआं धुआं, ये बादल देखो गाइस, बादल देखो भाई, दिन निकल रहा है, दोपहर हो रही है, दोपहर का ये सीन है यहाँ पर। अभी सर्दी नहीं आई है, गर्मियाँ हैं। एक अच्छी बात यह है कि हमें बिल्कुल भी बारिश नहीं मिल रही कहीं भी। हम पिछली बार आए थे ना हमें तब भी बारिश नहीं मिली थी, हमने बहुत एंजॉय किया था दोनों ने। एंजॉय किया था। हाँ, ये हमें बारिश का बहुत डर था जब हम रात को अपने रूम में चले गए थे ना, उसके बाद बारिश आई थी, पूरी रात बारिश आई, सुबह फिर मौसम खुल गया था और अभी भी बारिश नहीं है और बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान बारिश ना आए, हम अपना एंजॉय कर लें। सो हे गाइस, हमने रूम ले लिया है और बहुत ही खूबसूरत है, अभी हम आपको दिखाएंगे सारा नज़ारा यहाँ का। बहुत ही प्यारा रूम लिया है हमने, अभी हम अपने रूम में जाएंगे, पहले हम अपना सामान निकाल लेते हैं। रिद्धि थक गए हो? नींद आ रही है। नींद आ रही है ना, थोड़ा आराम करेंगे, सामान तो निकालो गाइस। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे तुम? मैं कुछ नहीं बोल रहा। वो भाई देखो क्या बहुत बहुत मजा आ रहा है। चलें बस थोड़ा सा मैं थकी हुई हूँ क्योंकि रात को ना बस में मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, एक घंटा पहले सोऊंगी उसके बाद। मिंटू कहाँ जाएगा? मैं घर चला जाऊं।